हेलो मैं डॉक्टर धनंजय चौहान डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हेयर एमडी इंडिया एंड क्लियर स्किन पुणे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं टू परसेंट मिनॉक्सीडील यूज़ करूँ फाइव परसेंट यूज़ करूँ टेन परसेंट यूज करूँ थ्री परसेंट यूज करूँ सेवन परसेंट यूज़ करूँ ट्वेल्व परसेंट यूज़ करूँ विथ फिनास्ट्राइड यूज़ करूँ क्या विथ एमिनिक्सिल यूज करूँ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं सिंपल चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ मिनोक्सिडिल टू परसेंट फाइव परसेंट और बाकी परसेंट के बारे में इनिशियली जब मिनोक्सिडिल यू एस एफ डी एप्रूव हो गया तो इट वॉज़ टू परसेंट फॉर फीमेल एंड फाइव परसेंट फॉर मेल लेकिन वो किसमें है हर जो बाल गिरते हैं उसके लिए मिनोक्सिडिल यूजफुल नहीं है ये सिर्फ पैटर्न बालनेस के लिए यानी जिन लोगों में फैमिलियल गंजापन है जिन लोगों में पैटर्न बालनेस मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बालनेस है या जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं और जिसे हम लोग टक्कल बोलते हैं ऐसे ही लोगों में मिनोक्सिडिल की यूजफुलनेस U.S. FDA एफ ने अप्रूव पहले कर दी फिर टू परसेंट मिनोक्सीडिल पहले यूज करते थे और टू परसेंट के बाद फाइव परसेंट डेवलप हो गया टू परसेंट मिनोक्सीडिल फीमेल में यूज स्पेशली करते हैं और इनिशियल स्टेजेस जब हेयर लॉस के रहते हैं टू परसेंट सफिशिएंट सफिशेंट हो जाता है फीमेल में टू परसेंट और फाइव परसेंट की ट्रायल ली मिनोक्सीडील की देन ऐसे ध्यान में आ गया कि 5% यूज करके फीमेल में ज्यादा कोई भी एडवांटेज नहीं है उल्टा डिसएडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरट्रिकोसिस बाल कहाँ कहाँ ज्यादा uh, आना है स्पेशली ऑन फेस अनवांटेड हेयर ग्रोथ और हेड और ड्राइनेस वगैरह फीमेल में ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं इसलिए एफ ने टू परसेंट सिर्फ फीमेल के लिए अप्रूव कर दिया और टू परसेंट और फाइव परसेंट के सेम रिज़ल्ट है तो टू परसेंट ही यूज़ करो सो टू परसेंट मिनोक्सीडेल इज़ यूजफुल इन फीमेल फीमेल के लिए फ़ाइव परसेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उल्टा एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं 18 साल के पहले किसी ने भी मिनोक्सीडील यूज़ मत करो 18 साल के बाद के ही फीमेल और मेल को मीनोक्सीडील यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी हो लैक्टेशन हो और छोटे बच्चों में मिनोक्सीडील यूज़ नहीं करते जिन लोगों में दो या चार महीने में मिनोक्सीडील से रिजल्ट्स नहीं आते बाल झड़ना बंद नहीं होता थिनिंग आउट होना बंद नहीं होता बालनेस कंटिन्यूस हो जाता है चार महीने में फ़र्क नहीं पड़ता तो मिनोक्सीडिल बंद करना चाहिए और समझना चाहिए अपने हेयर लॉस में अपने बालनेस में मिनोक्सिडिल काम नहीं करेगा कभी कभी मिनोक्सीडिल चालू करने के बाद पंद्रह दिन के बाद या महीने में बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं फिर ऐसे लगने लगता है मिनोक्सीडिल से मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं या मुझ मेरे, मुझ मुझमें काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है मिनोक्सिडिल लगाने के बाद पहले पंद्रह दिन में या महीने में बहुत सारे बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं क्योंकि मिनोक्सीडिल के एक्शन ही हैं जो टिलोजन फेज में बाल है उनकी टिलोजन फेज कंप्लीट करना और बालों को ग्रोथ दे देना यानी एनाजेन फेज में जाना तो जो टिलोजन में है वो बाल ज़्यादा झड़ेंगे और नए बाल आने की फिर प्रोसेस चालू हो जाएगी इसलिए अगर पंद्रह दिन में एक महीने में थोड़ा ज़्यादा बाल झड़ने लगे तो चिंता मत कीजिए मिनोक्सिडिल का यूज कंटिन्यूस करते जाइए वो बाल झड़ना बंद हो के नए बाल आ जाएंगे लेकिन दो तीन चार महीने बाल ज़्यादा ही झड़ते रहेंगे तो समझना कि ये अपने बालनेस में ये बाल झड़ने में मिनोक्सिडिल काम नहीं कर रहा है आपको अगर कोई मिनोक्सिडिल के ड्राइनेस इरिटेशन, रेडनेस और मिनोक्सिडिल का एडवर्स इफेक्ट ही हो रहा है चेस्ट पेन हो रहा है ज़्यादा छाती में हार्ट के हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रहे हैं या एलर्जी आ रही है तो मिनोक्सीडिल बंद करो नो फाइव परसेंट किसमें किस में यूजफुल है फाइव परसेंट स्पेशली मेल पैटर्न बाल्डनेस में टू परसेंट से फाइव परसेंट ज्यादा वर्क हो जाता है ये प्रूव हो गया है इसलिए फाइव परसेंट यूज करना चाहिए लेकिन मेल में फाइव परसेंट यूज करते समय एक चीज ध्यान में रखो वन एम से ज़्यादा मेल या फीमेल में मिनोक्सीडिल का एक टाइम का डोज नहीं है एक टाइम का डोज एक एम से ज़्यादा यूज़ करने से एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट बढ़ने के चांसेस रहते हैं एब्सॉर्बन ज़्यादा हो सकता है इसलिए वन एम से ज़्यादा मत यूज़ करो वन एम यूज़ करना है बहुत सारा गंजापन है देन या बहुत सारे बाल है लंबे बाल है एक एम कम पड़ सकता है देन ऐसे टाइम में बाल अगर थोड़े ज़्यादा कट कर दिए तो स्काल्प को मिनोक्सीडिल लगने के चांसेस है जब मिनोक्सीडिल स्काल्प को लगेगा तभी एबसॉर्ब होगा बालों को लगने वाला मिनोक्सीडिल एबसॉर्ब नहीं होता इसलिए बाल छोटे रखने से आपको ज़्यादा ही फायदा होगा और वो करना जरूरी है मिनोक्सीडिल किसमें वर्क होता है ज़्यादा जो गंजापन जो हेयर लॉस रिसेंट है समझो आपके बाल झड़ने लगे हैं बालनेस दिखने लगा है तो इमीजिएटली डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के मिनोक्सिडिल चालू करो और आपका बालनेस बहुत ही ग्रेड सेवन बालनेस है बहुत दिन का बालनेस है देन मिनोक्सिडिल अगर यूज़ किया तो उसकी इफ़िकेसी जो अर्ली बाल्टेस में रहती है उससे बहुत सारी कम हो जाती है तो अच्छी तरह से मिनोक्सीडील यूज़ करने की कोशिश करो अगर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो मिनोक्सीडील कंटिन्यू करो डर्मेटोलॉजिस्ट का आप आ, जरूर आ, इसमें कंसल्टेशन ले लेना दस परसेंट बारह परसेंट थ्री परसेंट या मिनोक्सीडील विथ फिनास्ट्राइड या एमिनक्सेल ट्रेटिनाइन बहुत सारे कॉम्बिनेशन आने लगे हैं उसको यूज करना कैसे है ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा पहले एक चीज़ ध्यान में रखो सौ पेशेंट ले लिए या हर एक पेशेंट में मिनोक्सीडिल गंजापन बाल्डनेस हो ही रहा है या पैटर्न बाल्डनेस है टक्कल गिर रहा है फिर मिनोक्सीडिल हर एक पेशेंट में यूजफुल होगा ऐसे नहीं है मिनोक्सीडिल के एक्शन अनप्रेडिक्टेबल है बहुत सारे लोगों में आती है, बहुत सारे लोगों में नहीं आती क्यों नहीं आती किसी को मालूम नहीं उसकी एक्शन वेज ऑफ एक्शन हाउ इट इज हेल्पफुल अभी साइंस को उसकी पूरी जानकारी नहीं मिली इसीलिए हर एक आदमी में मिनॉक्सीडिल यूजफुल रहेगा ही इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता इसलिए जब मिनोक्सीडिल की खुद की गारंटी नहीं कि वो आपको बाल झड़ने से बचाएगा आपका बालनेस क्योर करेगा तो बाकी के सब ऐड करके कुछ फायदा होगा ही ऐसे कहना मुश्किल है इसलिए एडिशनली मिनॉक्सीडिल में कुछ डालने से आपको फायदा ही होगा ये ऐसे कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता लेकिन आपके अगर कंसल्टेंट बता रहे हैं तो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करो टेन परसेंट मिनोक्सीडिल इविडेंस बेस है बहुत सारे पेशेंट में ऐसे लगता है कि 5 परसेंट नहीं यूजफुल हो रहा है तो 10 परसेंट यूज करने की कोशिश आपका डर्माटोलॉजिस्ट कर सकता है और अगर आप में वो 5 परसेंट से 10 परसेंट अगर यूजफुल होने लगा तो आप यूज़ कीजिए अगर चार महीने में तीन महीने में कुछ यूजफुल नहीं लगा तो पा, पाँच परसेंट आ जाओ और अगर वो ही नहीं हो रहा है तो यू स्टॉप इट टेन परसेंट जिसमें फ़र्क दे रहा है उसमें यूज़ करो सेवन परसेंट जिसमें फ़र्क पड़ रहा है उसमें यूज़ करो लेकिन कुछ भी नहीं है मैं टेन परसेंट यूज़ करके देखता हूँ मैं खुद ही जाके टेन परसेंट ले सकता हूँ डोंट डू लाइक दैट उससे कुछ ज़्यादा फायदा होने की आशंका या आशंका यानी कुछ जरूर नहीं कि वो टेन परसेंट आप में अच्छा हो जाए और एक चीज इसमें ध्यान में रखो आपने अगर 5% परसेंट की जगह 10% परसेंट से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसलिए 10% परसेंट लगाने लगो तो 10% परसेंट से फिर 5% परसेंट आने में बहुत तकलीफ है आपके बाल फिर झड़ सकते हैं इसीलिए 10% परसेंट या हायर परसेंटेज चालू करने के पहले डरमेटोलॉजिस्ट का सलाह लेके फिर चालू करो खुद मत कुछ इसमें ये करते जाओ ट्रायल मत करते जाओ मिनोक्सीडिल बंद करने के बाद टू परसेंट रहने दो फाइव परसेंट रहने दो पैटर्न बालने इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे बाल और ज्यादा झड़ने लगे मिनोक्सिडिल yes. क्या करता है थिनिंग जो हो रहा है उसका थिनिंग वो पोस्टपोन कर देता है थिनिंग से थिक हेयर बना देता है जो हेयर प्री मेचुरोजन फेज में जा रहा है जिसकी एनाजन फेज कम हो रही है ग्रोथ नहीं हो रही वो हेयर की वो एनाजन फेज पूरी करता है दो से पाँच छः सात साल तक ऐसे में जब आप बंद करोगे तो उसके एनाजन फेज फिर कम हो जाएगी थिनिंग फिर चालू हो जाएगा फिर झड़ना चालू हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि अरे मिनोक्सीडिल लगाता था, था तो अच्छा था लेकिन अभी बंद करने के बाद और ज्यादा झड़ने लगे हैं तो मिनोक्सिडिल यूज ही नहीं करना चाहिए नो no, ऐसे कुछ नहीं मिनोक्सिडिल पोस्टपोन कर देता है बाल झड़ना तो ये बहुत सारी चीजें हैं मिनोक्सिडिल यूज करने से पहले तो आप अच्छी तरह से ये करके डॉक्टर का एडवाइस लेके ही मिनोक्सिडिल यूज कीजिए आप में अगर वो काम कर रहा है तो यू आर लकी यू यू विल हैव हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम और आपको ऐसे ही अच्छे हेयर रहने दो ऐसे हमें लगता है एंड वही हमारा आपके लिए बेस्ट लक है आपको हेयर के बारे में मिनोक्सीडिल के बारे में हेयर लॉस के बारे में अगर कोई भी शंका आशंका है तो हमें नीचे लिख सकते हैं ईमेल कर सकते हैं या हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके वहाँ भी आप पूछ सकते हैं या वेबसाइट पे जाए डब्ल्यू 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 डॉट हेयर एम डी इंडिया डॉट कॉम वहाँ भी हम लोग आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन वहाँ भी अगर पूछ दिए तो वहाँ भी आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपके हेयर के बारे में और मिनोक्सीडील के बारे में आपको अपडेट करने की या एजुकेट करने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश जारी रखेंगे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्राई टू अस Email us. All the best. Thank you. Thank you very much.